हेलो एवरीवन, सेंट्रो प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, स्टैंडर्ड फिफ्थ, चैप्टर नंबर 6, द टॉकटेटिव बार्बर। स्टोरी रीड करेंगे। द टॉकटेटिव बार्बर। टॉकटेटिव मीन्स बातूनी, और बार्बर, बार्बर मीन्स क्या? बार्बर उस पर्सन को कहा जाता है जो लोगों के बाल काटता है। मीन्स बार्बर मीन्स क्या होगा? नाइट। लॉन्ग लॉन्ग अगो, अ सुल्तान हुज नेम वाज शहरियार रूल्ड ओवर ए लार्ज किंगडम। मीन्स बहुत ही लंबे समय पहले की बात है, एक सुल्तान था जिसका नाम क्या था? शहरियार। रूल्ड ओवर ए लार्ज किंगडम मीन्स वो एक बड़े किंगडम पे राज किया करता था। हीज क्वीन वाज ए गुड स्टोरी टेलर, और उसकी जो क्वीन थी मीन्स रानी थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर थी। मीन्स कहानी, वो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। ईच नाइट सी वुड टेल ए स्टोरी टू द किंग, और हर रात को वो राजा को भी एक स्टोरी सुनाया करती थी। सी नरेटेड एंशियंट पर्सियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज। मीन्स कौन सी स्टोरी सुनाती थी? एंशियंट पर्सियन और अरेबिक फोक स्टोरीज सुनाया करती थी। दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। नीचे जो स्टोरी दे रखी है द टॉकटेटिव बार्बर, वो कहाँ से ली गई है? अरेबियन नाइट्स से। रीड दिस स्टोरी अबाउट ए मैन हु कैनॉट स्टॉप टॉकिंग। मीन्स नीचे एक स्टोरी दे रखी है ऐसे आदमी की जो कभी भी बात करना बंद नहीं करता है। हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। इन द सिटी ऑफ कसगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। मीन्स कसगर के एक शहर में एक बार्बर रहा करता था जो कि एक बहुत बड़ा टॉकर था। मीन्स बातूनी था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू सेव हिज हेड। एक दिन सुल्तान ने बार्बर को बुलाया उसके हेड को सेव करने के लिए, मीन्स उसका मुंडन करने के लिए। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ सेविंग हिम। लेकिन बार्बर नॉन स्टॉप टॉकिंग कर रहा था, मीन्स बिना रुके बातें कर रहा था बिना सुल्तान को सेव किए हुए। मीन्स सुल्तान को वो सेविंग नहीं कर रहा था बल्कि क्या कर रहा था? नॉन स्टॉप बातें कर रहा था। द सुल्तान गॉट एंग्री, जिससे क्या हो गया? सुल्तान बहुत ही गुस्सा हो गया। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क। कब तुम अपनी बातें बंद करोगे और अपना काम शुरू करोगे? कैसे? ऐसा किसने कहा? सुल्तान ने कहा। किससे? बार्बर से। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर रिप्लाई देता है, यू डू मी एन इंजरी बाई कॉलिंग मी अ चैटर्ड। आपने मुझे एक चोट पहुँचाई है मुझे चैटर्ड कह के। चैटर्ड मीन्स भी बातूनी होता है। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट, सब मुझे कहते हैं कि मैं बहुत ही शांत हूँ। आई हैव सिक्स ब्रदर्स हुम यू माइट कॉल चैटर्स, मेरे 6 और भाई हैं जिन्हें आप चैटर्स कह सकते हो। देयर नेम्स आर, अब उसके 6 भाइयों के नाम दे रखे हैं, बकबॉन, बकबेरिया, बकबक, उलकुस, उलनसी एंड सकाबक। ये सब उसके भाइयों के नाम है। वन इज हम बैक, एक भाई की पीठ जो है वो पीछे से उठी हुई है। वन इज टूथलेस, एक के दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरा अंधा है। वन इज डेफ, एक बहरा है। एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और एक को बोलने में दिक्कत होती है, मीन्स उसके स्पीच में डिफेक्ट है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, लेकिन फिर भी वो सब क्या है? ग्रेट टॉकर्स है, मीन्स बहुत ही बड़े बातूनी है। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली में। ऐसा कौन कहता है? बार्बर। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स, और मैं बहुत ही शांत हूँ। गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड, इसे 3 पीसेस सोने के दे दो। द सुल्तान क्राइड, ऐसा सुल्तान चिल्लाते हुए कहता है, लूजिंग ऑल पेशेंस, मीन्स अपना शब्द खोकर। एंड सेंड हिम अवे, और इस बार्बर को दूर ले जाओ, ऐसा कहता है। आई विल नॉट बी सेव टूडे, मैं आज सेव नहीं कराऊंगा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, बार्बर भी सीखते हुए कहता है, माई मास्टर इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, ये मैं नहीं था जो यहाँ पर अपनी मर्जी से आया था। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, ये आप थे जिन्होंने मुझे ऑर्डर करके यहाँ पर बुलाया। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव सेव यू, तो मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक आप, मैं अपना काम ख़त्म ना कर लूँ, आपकी सेविंग ना कर दूँ। ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर, फिर उसने एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया जो आधे घंटे तक चली। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, तुम अपनी ये स्पीचेस बंद करो और मुझे जल्दी जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे और भी ज़रूरी काम है। आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे नून में जाना है, सेड द सुल्तान, ऐसा किसने कहा? सुल्तान ने।
वैन ही सॉ डेट सुल्तान वॉज रियली एंग्री विथ हिम, जब सुल्तान ने देखा कि जब बार्डबर्ड ने देखा कि सुल्तान बहुत ही गुस्सा हो रहा है बार्डबर्ड से, द बार्डबर्ड सेड ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, तो बार्डबर्ड उसे शांत करने के लिए क्या कहता है, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत हो आप, आई विल बिगिन टू सेव यू, मैं आपका शेविंग स्टार्ट कर देता हूँ, सेइंग दिस ही वॉश द सुल्तान हेड, ऐसा कहते हुए सुल्तान का हेड वो साफ करता है, वॉश करता है, एंड बिगन टू सेव, और सेव करना स्टार्ट करता है, बट ही हैड नॉट टच हिम इवन फोर टाइम्स विद द रेजर, लेकिन अभी भी उसने फोर टाइम्स तक रेजर उसके हेयर में टच नहीं किया, सुल्तान के हेयर में, वैन ही स्टॉप्ड एंड सेड, और फिर वो रुक गया और उसने क्या कहा, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टिली इन दिस मैटर, मीन्स वो कहता है माई मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टिली इन दिस मैटर, आप इस मैटर को पहले ध्यान से सोचो, गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान, लेकिन सुल्तान क्या कहता है कि सेविंग करो तुम और कुछ बोलो मत, बी पेशेंट सेड द बार्बर, बार्बर कहता है सब्र रखिए, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल वाट यू आर गोइंग टू डू, शायद आपने सोचा नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो, आई विश यू वुड टेल मी वाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, मीन्स आप मुझे बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस मैटर का इंपॉर्टेंस बताइए और मैं इसके ऊपर आपको अपनी विचार दूंगा, मीन्स अपनी राय दूंगा, फिनिशिंग सेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेम, मीन्स सेविंग खत्म, सेविंग जल्दी ख़त्म करो ऐसा सुल्तान कहता है, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज, लेकिन बार्बर क्या करता है सुल्तान को हाफ सेव्ड मीन्स उसके सर का आधा ही बाल सेव करके छोड़ देता है एंड सी व्हाट टाइम इट वाज और टाइम देखने चला जाता है, माय पेशेंट इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड, सुल्तान फिर गुस्से से चिल्ला के कहता है मेरा सब्र अब खो रहा है, बी काल्म माय मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट, लेकिन बार बार क्या कहता है शांत हो जाइए मास्टर, आपका सेविंग में इन अ मोमेंट मीन्स बहुत ही जल्दी कर दूंगा, तुरंत कर दूंगा, सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड सेविंग द सुल्तान, फिर से वो सेविंग करना स्टार्ट करता है, बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, लेकिन ऐसा करते समय भी वो अपना मुंह बंद नहीं रखता है, कुछ ना कुछ बातें करता रहता है, इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इंपॉर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल ही सेड, फिर बार बार क्या बातें करने लगता है कि अगर आप मुझे उस इम्पोर्टेंट अफेयर के बारे में बताओगे, उस इम्पोर्टेंट काम के बारे में बताओगे तो मैं आपको उसके ऊपर सलाह दूंगा जो कि आपको बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाई नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई दी बार बार, अब सुल्तान बहुत ही उसकी बातों से उग चुका था और परेशान होकर उसने वो बात बता दी, ही टोल्ड हिम डैट ही वॉज गिविंग फिश टू सम फ्रेंड्स एट नून, उसने क्या कहा कि दावत पे उसके कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं दोपहर को, विच वॉज वाई ही वॉज इन ए हरी टू लीव, इसलिए वो बहुत ही जल्दी में, कौन सुल्तान, वेन द बार्बर हर्ड द सुल्तान मेंशन ए फिश ही एक्सक्लेम, जब बार्बर ने सुना कि सुल्तान फिश के बारे में कह रहा है तो बार्बर क्या कहता है, डेट रिमाइंड्स मी, ये इससे मुझे याद आया, यस्टरडे आई इन्वाइटेड फोर और फाइव फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टूडे, मैंने भी अपने चार या पाँच दोस्तों को घर पर बुलाया है, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट एंड हैव नॉट एनी मेड एनी प्रिपरेशन, लेकिन मैं ये भूल गया था इसलिए मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।